तो ये देखिए भावना भी आई है, मंदिर का कुछ इस तरह से नज़ारा, और बारिश भी हो रही है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सावन का पहली बरसात, बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही प्यारा मौसम है। हेलो एवरीवन, तो ये देखिए मैं मंदिर आ चुकी हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स माता का मंदिर यहाँ पे, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शनि मंदिर, काल भैरव, कृष्ण राधा जी, जय हो जय हो, राम सीता लक्ष्मण जी, जय हो जय हो। और ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी, विष्णु भगवान है लक्ष्मी जी, जय हो। और ये देखिए फ्रेंड्स बाबा बालकनाथ जी, और ये पवन सुत हनुमान, वीर बजरंगबली, और ये देखिए फ्रेंड्स गणपति बप्पा गणेश जी। बरसात का मौसम हो और पकोड़े ना बने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, वो भी मेरे घर में। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेड पकोड़े। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्रेड को काट चुकी हूँ, और इसमें आलू की स्टफिंग भर रही हूँ उसमें। ये देखिए इस तरह से, और आलू की इस पर डाल के अच्छे से दो तरफ से, और इसके बाद इसे हम बेसन को जो घोले हैं उसमें लपेट के कढ़ाई में डाल देंगे। बन गए पकोड़े, इसे बोलते हैं ब्रेड पकोड़ा। तो आइए फ्रेंड्स, अगर आपको भी खाना है तो आ जाइए मेरे घर पे जल्दी जल्दी से। और आप सभी को सावन के महीने को, पावन सावन महीना चल रहा है यहाँ पे, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, बाय बाय। और कैसा बीत रहा आपका सावन बताना ज़रूर कमेंट करके, बाय बाय, टेक केयर।